बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स का, पार्ट 6 है बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन। क्या कहता है बर्नौली थ्योरम? स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड रिमेन कॉन्स्टेंट। किन किन चीज़ों की बात हुई है? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। इन सबका जो सम है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि मेरे भाई बाद हम अब कर रहे हैं। अब ये एक देखें, एरिया काफ़ी बड़ा है। प्रेशर यहाँ पी वन था, एलिमेंट लेंथ डेल एक्स वन थे, ए वन इसका एरिया हो गया, वी वन इसकी स्पीड हो गई, एंड में एरिया कम है, ए टू एरिया है, प्रेशर पी टू है, लेंथ डेल एक्स टू, वॉल्यूम वी टू, मास सेम रहेगा, डेल एम ही रहेगा। तो बर्नौली इक्वेशन होगी क्या? पी वन ऑफकोर्स प्रेशर प्लस हाफ रॉ वी वन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, प्लस रॉ जी एच वन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इक्वल टू किसके होगा? पी टू प्लस हाफ रॉ वी टू स्क्वायर प्लस रॉ जी एच टू। और ये जो चीज़ है पी प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच, ये हमेशा क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। अब एक तो इक्वेशन पूछते हैं बर्नौली की, और क्या क्या पूछते हैं? न्यूमेरिकल इस पर कैसे आएगा बता देता हूँ। पी वन दे देंगे, रॉ दे देंगे, वी वन दे देंगे, जी की वैल्यू तो फिक्स होगी, एच वन दे देंगे, पी टू वी टू देंगे, एच टू पूछ लेंगे, यानी कोई भी एक अननोन वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए न्यूमेरिकल इसमें आ चुके हैं बर्नौली इक्वेशन पे, यही वाली इक्वेशन पे, तो ये बहरहाल आपको याद करनी है, बर्नौली के तौर पे भी आ सकती है। इसीलिए चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल के लिहाज से, फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स के नाम से मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूरी कंप्लीट देखें। थैंक्स अ लॉट।